तो स्टूडेंट आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन को आज हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन होती क्या है बेसिकली इंफॉमेशन आपके डेटा की प्रोसेसिंग फॉर्म होती है ठीक है प्रोसेसिंग फॉर्म ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ठीक है द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गनाइज एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तरतीब में लगा देते हैं या उसको प्रोसेस्ड कर देते हैं विद सम स्टेप्स तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डेटा डेटा की नस्बत ये ज़्यादा मीनिंगफुल होता है बामानी होता है ठीक है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन इस इंफ़ॉमेशन को जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा इसको आप डेटा का रिजल्ट भी कह सकते हैं ये आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के फैसले लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज़ टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप इस डेटा को प्रोसेस फॉर्म वाले डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं और उससे इन्फॉमेसन जनरेट करवाई जा सकती है ठीक है तो ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन चले जी एग्ज़ाम्पल लेते हैं जी एग्जाम्पल क्या है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसिस सेंसिस कहते हैं शुमारी को क्या तक जो डेटा आप शुमारी से इकट्ठा करेंगे इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन उस डेटा को आप मुख्तफ किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी चले देखते हैं द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमाइन द लिट्रेसी रेट इन कंट्री हाँ जी जो गवर्नमेंट होगी आपकी कंट्री की वो आपने कंट्री के अंदर शरा ख्वानगी यानी कि एजुकेशन की जो क्या रेट है रेट ऑफ़ एजुकेशन क्या चल रहा है कितने मुल्क के अंदर कितने फ़ीसद लोग जो है एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड है इसको डिटरमाइन करने के लिए इस बात का पता लगाने के लिए गवर्नमेंट जो है इस डेटा को सेंसर से कलेक्ट किए गए डेटा को इस्तेमाल कर सकती है अब होगा क्या जैसे ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा हमें पता चल जाएगा हमारे मुल्क में इतने लोग एजुकेटेड हैं इतने अनएजुकेटेड हैं तो गवर्नमेंट जो है अपनी एजुकेशन की फ़ील्ड में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या एजुकेशन के डिपार्ट को बेहतर करने के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है तो गवर्नमेंट कैन यूज़ इट इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट शरा ख्वानंदगी को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकती है